हेलो इवान, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एलसीएमएसएफ की क्लास के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन से थे, हमने उनको डिस्कस कर लिया है और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो जितने बच्चों का एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पेपर है, वो सभी बच्चे उस टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और उस प्रश्न को लगा के जाएं। 100% प्रश्न वहीं से आना है आपके पेपर में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। लगभग 3 से 4 क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो टॉप मोस्ट प्रश्न होंगे उन्हें, मतलब वो प्रश्न जो अच्छे लेवल के होंगे, जो पेपर में फिर से रिपीट किए जा सकते हैं, वैसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और हमारी गारंटी है आपसे 100% प्रश्न यहीं से ही रिपीट होंगे। जो भी प्रश्न रिपीट होना है, जो भी प्रश्न नया आना है, वो इन्हीं जो हम क्लास पढ़ा रहे ना, इन्हीं किसी क्लास से ही हमारा वो प्रश्न आने वाला है। तो सभी लोग बताएं, क्लास इंस्टॉल की जाए नंबर सिस्टम की। एलसीएमएसएफ की 3 क्लास में हमने टॉप मोस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सभी लोग उसको जाके देख लेना, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लो और क्वेश्चंस लगाओ खूब सारे, ठीक है? चलो आप बिल्कुल बेहतरीन टॉप मोस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एक प्रश्न को समझते चलना और फिर देखते चलना। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। पूर्ण संख्या में सो होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर बोलता, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट। जब 1 से किसी 1 से शुरुआत होगी तो वो प्राकृतिक संख्या होगी। जब भी होल नंबर की बात की जाएगी तो प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब 0 शामिल हो जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब 0 शामिल हो जाता है तो क्या कहलाता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाता है। इन्होंने कहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, मींस प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योग किया जाए, फिर उसका यूनिट डिजिट निकाला जाए, और इन्होंने यूनिट डिजिट ही पूछा है। अब भैया हमने कहा कि पहला होल नंबर 0 होगा, तो दूसरा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1, 2, 3 डैश डैश डैश, टोटल नंबर कितने? 110 तक जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा 111 पूर्ण संख्या कितनी होनी चाहिए? 111। 1 से 110 तक 110 नंबर ये हो गए और 0, टोटल 111 संख्याएं हो गई। इनका योग कर दीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 + ……+110। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है? n n + 1 / 2। तो n की जगह पे लास्ट नंबर रखेंगे 110 × 111/2। इसको काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो आएगा 55 × 111, 5 × 5 मीन्स यूनिट डिजिट अंतिम अंक, हमसे यूनिट डिजिट ही पूछा है, तो अंतिम अंक कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट किसी को? अच्छा 111 क्यों नहीं लिया? बेटा एक बात को समझो, उन्होंने कहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का, मीन्स 111 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 1 से 110 तक की 110 संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्या के समूह में 0 शामिल हो जाएगा तो टोटल 111 संख्याएं हो गई। उन्होंने 111 संख्याओं के योग का इकाई अंक पूछा था, तो 111 संख्याओं का योग निकाल दिया हमने, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दिया n n + 1 / 2, और हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ हमने अंतिम अंक का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5, हमने सिर्फ अंतिम अंक का मल्टीप्लाई किया और किसी भी अंक का मल्टीप्लाई नहीं किया। क्या जरूरत है पूरे का मल्टीप्लाई करें, अपना समय वेस्ट करें ना, हमें यूनिट डिजिट चाहिए था, यूनिट डिजिट बता दिया। आइए
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी लोग जल्दी से पढ़ें। प्रश्न कह रहा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित है तो बाकी होगा, मीन्स शेष पूछा है आपसे। अच्छा प्रश्न बेटा, एक बात को समझिएगा, संख्या का 1/7 है, अगर संख्या का 1/7 है तो वो संख्या 7 से डिवाइड जरूर होगी, इतनी बात क्लियर है। अगर कोई चीज संख्या का 1/7 है तो वो संख्या 7 से डिवाइड अवश्य होगी, होगी ना। अब समझना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, एक सबसे अच्छी लाइन यहाँ पे मिल रही है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, जो यूनिट डिजिट है वो दहाई अंक से 4 कम होना चाहिए, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम होना चाहिए, और जो संख्या हो वो 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो मेरे माइंड में एक संख्या है 84 आई। देखिए, इस संख्या में जो इकाई का अंक है वो दहाई अंक से 4 कम है ना, और 84 7 से डिवाइड भी है, तो एक सिचुएशन तो मेंटेन हुई। अब मेरी बात समझे इस वाली को, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो ये दो अंकों की संख्या है इसके अंकों का योग 8 4 12 अंकों का योग संख्या का 1/7 है, संख्या का कितना है 1/7, जब संख्या का 1/7 करोगे तो 12 आएगा, बात बिल्कुल सही है, सही ना। उसमें कहा जो दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 है, और इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, संख्या मुझे मिल गई वो संख्या क्या है 84 है। अंक को उल्टा करने पर, तो इसके अंक को पलट दो कितना हो जाएगा 48, अंक को उल्टा करने पर और 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, शेष कितना बचेगा 6 बचेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, शेष कितना बचेगा 6 बचेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने ये 84 सोचा कैसे। बेटा हमें एक ऐसी संख्या चाहिए थी जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो और संख्या 7 से विभाजित अवश्य हो, तो जब 7 से विभाजित होगी तो हम 7 के मल्टीपल ही तो लेंगे, 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 35 फिर 42 फिर ऐसे 49 फिर 54 ऐसे ना 63। तो जब हम संख्या को अपने मन में सोचते जगह, तो मेरे में मन में एक संख्या है 84, जब 84 हमारे मन में आई तो हमने देखा इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम भी है, और संख्या के जो अंकों का योग है वो संख्या का 1/7 है, बराबर है, तो अंक को पलट दिया जाए और 7 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना आएगा 6। भैया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना होगा आपको, आगे बढ़ा जाए चलिए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गई है, ये 8 की पावर 2k है और यहाँ पे 5 की पावर 2k है, 8 की पावर 2k और 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड जहाँ k एक विषम संख्या है, ठीक है, 8 की पावर 2k 5 की पावर 2k और k क्या है, k एक ऑड नंबर है, हमने कह दिया k = 1, ये एक ऑर्डर नंबर तो है, ऑर्डर नंबर की बात क्या, विषम संख्या कहा के एक विषम संख्या है, तो हम k = 1 कह सकते हैं अगर विषम संख्या की बात कर रहा तो, क्योंकि एक हमारी विषम संख्या ऑर्डर नंबर है, ठीक। अब k की जगह आप 1 पुट कर दो तो ये 2 और प्लस 5 की पावर 2, हमने k की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी और k की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी, तो ये 8 की पावर 2 ये 5 की पावर 2, 8 का स्क्वायर कितना 64,
पाँच का स्क्वायर कितना 25, 5, 4, 9, 6, 2, 8 तो उसका एक गुणनखंड 89 होगा। क्लियर, उसका एक गुणनखंड 89 होगा। अब आप के बराबर 3 भी रख सकते हो, के बराबर 5 भी रख सकते हो, मतलब जो भी संख्या रखोगे विषम संख्या रखोगे, और जितनी बड़ी संख्या रखोगे कैलकुलेशन उतना बड़ा होगा। पेपर में हमें जल्दी करना है तो हमें छोटी संख्या लेनी है, इसीलिए हमने के बराबर 1 लिया था और उसका पहला गुणनखंड, उसका पहला फैक्टर हमने निकाल दिया 89। आप के बराबर जब 3 लोगे तो 8 की पावर 6 करोगे और 5 की पावर 6 करोगे, तो वहां से भी जब आप एक फैक्टर निकालोगे तो वहां से भी आपको 89 ही मिलेगा, मतलब आपको फैक्टर निकालना पड़ जाएगा फिर। तो आपको के बराबर 1 रखो, जल्दी आंसर आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आइए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न फिर से एक। इस प्रश्न को भैया जरूर समझना आप सभी लोग, ठीक है। कह रहा 935 की पावर 123 को 39 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, यही तो कह रहा है। अब समझिएगा, जब भी पावर पावर ऑड हो, ऑड नंबर हो, तो हमेशा आप उसको 1 मान लेना, और जब भी पावर इवेन नंबर हो तो पावर को हमेशा 2 कर देना, ठीक है। वो कितनी भी बड़ी पावर लगा के दे, अगर पावर विषम संख्या में है तो जो पावर होगी उसको 1 कर देना, अगर पावर सम संख्या में है तो जो पावर होगी उसको 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए, यहाँ पे जो पावर दी गई है वो किस में दी गई है, विषम संख्या में दी गई है, तो आप इसको 935 ही लिख दो, क्योंकि 935 की पावर 1 करोगे 935 ही आएगा, और इसको 39 से विभाजित करना है, दो बार में जाएगा, 2 9 18 का हासिल लगाए, 2 3 6 1 7 एक हासिल दे दो, 13 से 8 जाएगा 5, एक हासिल गया, 8 से 7 जाएगा 1, फिर 5 आ जाएगा, फिर ये जाएगा 4 बार में, 3 बार में, 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 3 9 2 11, एक हासिल गया 15 15 से 7 जाएगा 8, एक हासिल चला गया तो 4 4 से 1 जाएगा 3, तो जो शेष बचा वो कितना बचा 38, देखो शेष 38 बच रहा है। उसने कहा था कि 935 की पावर 123 को जब 39 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा। हमने आपको बताया भैया पावर पे विशेष ध्यान रखना, पावर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा होता है। जब भी पावर विषम संख्या में हो तो हमेशा पावर को 1 बना देना, जो पावर दी हो सब हटा देना, कितनी भी बड़ी पावर दी जाए, और पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमेशा पावर को 2 कर देना, वो कितनी भी बड़ी पावर हो उसे कोई मतलब नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ जो पावर दी गई थी विषम संख्या में दी गई थी 123, तो 935 की पावर हमने 1 कर दिया, तो 935 की पावर 1 करोगे तो 935 आएगा, और उसको 39 से डिवाइड कर दिया, ठीक। 39 से डिवाइड करने पर शेष कितना आ गया 38, देखो शेष 38 है, फिर से एक बढ़िया प्रश्न। तेईस की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। हमने क्या लिखा था, जब पावर इवेन नंबर हो तो क्या करते हैं, पावर 2 करते हैं, ठीक है। यहां पे जो पावर है वो इवेन नंबर है तो क्या कर देंगे, 23 की पावर 2 को किससे विभाजित करेंगे, 529 से, और 23 की पावर 2 का मतलब 529, और 529 से पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा 0। बताओ, देखा, समझ गए बात को, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब पावर विषम में हो तो पावर 1 कर देना, कितनी भी बड़ी पावर दी जाए, और पावर सम में हो तो पावर 2 कर देना, कितनी भी बड़ी पावर दी जाए उसे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर लाइफ में कभी गलत नहीं आएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाओ बस, ठीक है, कोई डाउट। चलिए आइए,
फिर से देखिए, दिया गया 71 की पावर 83 और 73 की पावर 83 को डिवाइड करना है किससे, 36 से, और रिमाइंडर बताना है, शेष बताना है, ठीक है। पावर इवन है या ऑड बताओ, पावर सम है या विषम, विषम है ना, और जब विषम होगा तो क्या करोगे, पावर एक कर दोगे, तो 71 की पावर एक 71 होगा और 73 की पावर एक 73 होगा, और इसको विभाजित करना है 36 से। ये 3 × 1 = 4 हो जाएगा और 7 × 7 = 14 हो जाएगा। 144 को जब 36 से विभाजित करोगे तो शेष 0 आएगा। विभाजित करके देख लो, 36 से 144 को विभाजित करना है तो 4 × 6 = 24 का 4 हाथ से लगा, 2 × 4 = 12, 2 × 14 शेष क्या बचा, 0। देख कितना आसान हो गया आपके लिए। जब भी पावर सम में हो तो पावर 2 करेंगे, और पावर विषम में हो तो पावर 1 करेंगे, और आपका आंसर लाइफ में कभी गलत नहीं आएगा। बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, पेपर बेट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जितना मैं पढ़ा दूं आप उतना पढ़ते जाओ, पेपर आपका निकल जाएगा। कोई भी पेपर देने जाओ, कोई भी पेपर आपका रुकने वाला नहीं है। कहीं पर कोई डाउट है, हमने इसीलिए एक तरीके के 3 प्रश्न लिए अलग अलग टाइप के, जिसके जिससे आपको ये बातें सेट हो जाए आपके माइंड में। चलें आगे बढ़ें, अब क्लियर है ना। पावर सम होगा तो क्या लोगे, पावर 2 लोगे, और पावर विषम होगी तो क्या लोगे, पावर 1 लोगे। कोई डाउट है अभी, ठीक है। गुणनफल 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने, मीन्स प्राइम फैक्टर निकालना है। जब भी अभाज्य गुणन के गुणनखंड की संख्या निकालना हो, जब भी आपको प्राइम फैक्टर के नंबर्स निकालने हो, तो सबसे पहले जो नंबर आपको दिए जाएंगे उन सभी नंबर को आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करोगे, मीन्स अभाज्य संख्या में बदलोगे। आपको जो भी नंबर निकालने होंगे सबसे पहले सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या में बदलोगे, ठीक है। चलो तो इसका फैक्टर आप कर सकते हो 5 × 6 = 30 और पावर 5 है तो इसकी भी पावर 5 कर दो, इसकी भी पावर 5 कर दो, ये गलत नहीं होगा कभी। जैसे आपने पढ़ा कि 10 की पावर 2 = 100, 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है। अगर आप इसको दो भागों में तोड़ दो, 5 × 10, और पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 25 × 100 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, यहाँ पे दिया 30 की पावर 5, इसको आप तोड़ दो 5 की पावर 5 × 6 की पावर 5 में। अब 24 को तोड़ दो 8 × 3 = 24 में, 8 की पावर 5 × 3 की पावर 5 तोड़ दिए। अब देखो, अब बात को समझते जाना, जो ये 8 की पावर 5 है, ये 8 क्या है, 2 की पावर 3 है ना, 2 × 4 × 8, 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 8 जो है ये हमारा सम संख्या है, हमें इसको अभाज्य संख्या में बदलना है। तो 2 हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 2 हमारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो हमने 8 को लिख दिया 2, और 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, क्योंकि 2 × 4 × 8। अब समझते जाना, बस चेंज हो गया, आंसर आ गया, ये 5 की पावर 5 × 6 की पावर 5 गुड़े 3 × 5 = 15, 2 की पावर 15 × 3 की पावर 5। अभाज्य संख्या की संख्या पूछा है, तो 5 कितनी बार आया 5 बार, 6 कितनी बार आया 5 बार, 2 कितनी बार आया 15 बार, 3 कितनी बार आया 5 बार, सबको जोड़ दो 15, 5, 20, 20 और 10, 30, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। जब भी आपको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हो, तो सबसे पहले नंबर्स को आप फैक्टर करोगे, और फैक्टर किस में करोगे, अभाज्य संख्या में करोगे, प्राइम नंबर में करोगे। फिर आप जो भी नंबर दिए जाएंगे उनकी पावर बना लेना, पावर बनाने के बाद सबकी पावर को जोड़ देना, वही अभाज्य संख्या की संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी, जो नंबर आएंगे वही हमारे अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। कोई डाउट भैया, चले आगे बढ़ाए। टॉप मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, हर तरीके का प्रश्न आपके लिए, एक एक हमने लिया जिससे आपको समझ में आ जाए।
तीन से चार क्लास में नंबर क्वेश्चंस के हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, वैसे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। आइए, कह रहा 6+8+10+12+14+40 का योग ज्ञात कीजिए। मीन्स ये जो अब आप एक बात समझिए, जो 6 है और ये 8 है और ये 10 है, ये सब हैं क्या? ये सभी सम संख्या हैं, सम संख्या हैं, सम संख्या हैं कि नहीं है? 6, 8, 10, 12, 14, 40 ये सभी क्या है? हमारी सम संख्या है। मीन्स हमें सम संख्या का योग निकालना है ना भैया, यही तो करना है हमें। क्या निकालना है? सम संख्या का योग निकालना है। अब पहली बात, इतनी संख्याओं को हम ऐड नहीं कर सकते, तो सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम एन सम संख्या का योग बराबर, का योगफल बराबर या योग बराबर होता है एन एन प्लस वन। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा। हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं, अगर इनकी शुरुआत सम संख्या की शुरुआत होती है 2+4, तो ये दोनों संख्याएं तो इसमें दी नहीं गई। 2 और 4 इसमें दी गई हैं क्या? 2 और 4 इसमें सीरीज में नहीं दी गई। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग तभी करेंगे जब प्रथम संख्या की शुरुआत 2 से हो। ये भी याद रखना भैया, गलत तरीके से मत पेपर में लगा देना। हमने लिखा प्रथम एन संख्या, प्रथम शुरुआत से, तो इसमें तो जो सीरीज आपको दी गई इसमें शुरुआत से नहीं दी गई, इसमें आपकी 2 संख्याएं छोड़ दी गई, 2 और 4 की। तो इसका योग हम दूसरी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अब ये बात छोड़ देना, भूल जाना, ठीक है। तो इस सीरीज में अब समझना, टोटल लास्ट में बताई गई कि 40 संख्या का आपको योग बताना है, 40 का योग बताना है। लास्ट में 40 नंबर तक जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आधी संख्या सम होंगी और आधी संख्या विषम होंगी। ये कह सकते हैं 6+8+10+12+14+16+18+20+22+26+28+30+32+34+36+38+40 मीन्स आधी संख्या क्या होंगी? सम होंगी, और आधी संख्या क्या होंगी? विषम होंगी। बात को सुनते जाना, हमने अभी 40 को डिवाइड किया है 2 भागों में और हमने बता दिया इसमें आधी संख्या सम होंगी और आधी संख्या विषम होंगी। अब इस सीरीज में 2 संख्या छोड़ दी गई, कौन सी? 2 और 4, 2 सम संख्याएं छोड़ दी गई इस सीरीज में। तो आप इसमें से 2 माइनस कर देना और बता देना कि इस सीरीज में 18 संख्या होंगी जो सम होंगी। हमें सम संख्याओं की जरूरत है। एक एक पॉइंट को समझना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। टोटल नंबर आपके पास 40 है, 40 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, संख्या 2 भागों में डिवाइड होंगी, 20 और 20। कोई भी सीरीज हो तो उसमें आधी सम संख्या होंगी और आधी विषम संख्या होंगी, होंगी ना? अब जब सम संख्या की सीरीज में 2 और 4 को छोड़ दिया गया, तो मीन्स 2 संख्याएं आपके पास कम हैं, तो हमने 20 से 2 माइनस कर दिया कि हमारे पास 18 संख्याएं हैं। अब हमें इस संख्या का योग बताना है, तो इसका हम योग बताएंगे एवरेज से। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। अब समझना, जब संख्या में गैपिंग समान हो तो एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। क्या? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बटे में 2। जब संख्या में गैपिंग समान हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। अब हमें निकालना क्या है? सभी संख्या का योग, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में ऑल नंबर। इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं? 18, क्योंकि टोटल 20 नहीं है, क्योंकि 2 संख्याएं बाहर हो गई, 2 और 4, इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 9 18, ये 46 बन जाएगा और ये 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 54 का 4 हासिल लगा, 5 9 4 36 और 5 41। तो इस सीरीज का योग कितना आएगा? 414। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग सही से समझ लो,
तब इसको लगाना, ठीक है। इस सीरीज में सबसे पहले तो हमें संख्या पता करनी थी कि आल नंबर कितने हैं। 40 संख्याएं थी तो आधी संख्या सम होंगी, आधी संख्या विषम होंगी, और सीरीज में दो संख्याएं छोड़ दी गई, दो और चार, तो 20 से दो घटा दो तो हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 18। और इस सीरीज का हमें योग बताना है, तो योग हमने बता दिया है एवरेज से, क्योंकि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ पे एवरेज लगा दिया, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में दो। जब गैपिंग समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में दो, तब हमारे योग आ गया 414। चलिए आगे बढ़ा जाए। आई बहुत ही अच्छा प्रश्न, फिर से एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते जाना बाबू, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा, दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से दो अधिक है, ठीक है। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दो अधिक है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों का योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करना है, और पहला ऑप्शन दिया है 48, दूसरा ऑप्शन दिया है 64, हम ऑप्शन से इस प्रश्न को बता रहे हैं आपको, तीसरा ऑप्शन दिया 36, चौथा ऑप्शन दिया 46। अब समझना, एक पॉइंट को समझना। कह रहा, दो अंकों वाली एक संख्या, कोई दो अंकों वाली एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से कितना, दो अधिक है। तो इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से दो अधिक है क्या? नहीं है, तो ये आंसर नहीं बन सकता। इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है क्या? तो ये आंसर नहीं बन सकता। इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है क्या? नहीं बन सकता। इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है? बिल्कुल अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक होना चाहिए, तो देखो 4 से 2 ज़्यादा है 6, यहाँ से 3 से 3 ज़्यादा है 6, यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर भी ज़्यादा, ये सब गलत है। देखो, क्वेश्चन को ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप ऑप्शंस का फॉलो करो, ऑप्शंस फॉलो करो, विकल्प फॉलो करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हमने सिर्फ उसकी एक बात पकड़ी कि इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से दो अधिक है। इकाई का जो अंक हो वो दहाई के अंक से कितना अधिक होना चाहिए? दो अधिक है। वो कहाँ पे अधिक है? यहाँ पे। अब मान लो ये दो जगह हो जाता, ऐसी बात सिचुएशन दो जगह हो सकती है, दो जगह क्रिएट हो सकती है, कोई बात नहीं। अब आगे समझना, अगर दो जगह क्रिएट होती तो हम एक लाइन और पढ़ते, इसके अंकों के योग, इसके अंकों के योग मतलब 6 4 10, अंकों का योग 6 4 10, इसके अंकों के योग का गुणनफल दी गई संख्या एवं अंकों, दी गई संख्या एवं अंकों के योग का गुणनफल कितना आएगा? 460। देखो 460 कहा था, दी गई संख्या, संख्या कितनी दी गई? 46, और इसके अंकों का योग कितना होगा? 10। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो योग कितना आना चाहिए? 460 आना चाहिए, गुणनफल 460 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 46 वाला। कितना आसान हो गया। ऐसे प्रश्नों को बाबू पेपर में ऑप्शन से ही करना, अपना समय मत वेस्ट करना, ऐसे प्रश्नों को कभी लगाने का प्रयास ना करना। आज तक आपने जो भी पढ़ा वो सब खराब पढ़ा, आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही क्वेश्चंस का जबरदस्त तरीके से आंसर दे देना है पेपर में। और सभी लोग एक बार कमेंट कर दो प्यारे बच्चों, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक एक कमेंट से हमें एनर्जी मिलेगी, आपके एक एक कमेंट से हमें एनर्जी मिलेगी। आइए, सबसे पहले हम एक चीज लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष, ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष। कह रहा है एक भाजक, अब क्वेश्चन को समझना, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। बहुत अच्छा प्रश्न। यदि शेषफल 40 है, चलो देखते हैं, पहले उसने जो दिया उसको, यदि शेषफल 40 है और ये इसका कितना है? 3 गुना होना चाहिए, और यहां पे इसका भागफल आएगा, भागफल से कितना होना चाहिए?
ये 15 गुना होना चाहिए। तो 40 का 3 गुना कितना, 120, यही तो कह रहा है एक भाजक जो है, जो एक भाजक है वो भागफल का 15 गुना, तो भागफल का कितना होना चाहिए, ये 15 गुना होना चाहिए, और शेषफल का कितना होना चाहिए, 40 गुना होना चाहिए, यही कह रहा है। तो शेष जब हमारा, सॉरी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, सॉरी 3 गुना होना चाहिए। तो जब हमारा शेष 40 है, 40 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। अब इसका 15 गुना मतलब ये हमारा भाजक कितना हो जाएगा, 8 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 120। तो हमसे पूछा क्या, भाज्य पूछा है, तो 12 8 96 960 और प्लस का 40, तो वो भाज्य कितना हो जाएगा, 1000। कितना आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान था, कुछ करना ही नहीं था। उसने कहा था कि शेष का 3 गुना, शेष का 3 गुना क्या होगा, हमारा भाजक होगा। तो शेष हमारा 40 था, इसका 3 गुना करा तो हमने 120 कर दिया। अब भागफल का कितना होना चाहिए, 15 गुना, तो 15 8 120 मीन्स जब हमारा भागफल 8 होगा और जब इसका 15 गुना कर देंगे तो ये 120 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 960 और शेष का 40 जोड़ दिया, तो आंसर हमारा कितना बन गया, 1000। बताओ कोई डाउट भैया कहीं पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी, एक एक प्रश्न को समझते चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न को भी हम ऑप्शन से करेंगे, समझिएगा कैसे करेंगे, लगाना नहीं भैया। क्वेश्चन दिखाई दे रहा सबको अच्छे से, चलिए हम सिर्फ, हमसे कहा भिन्न ज्ञात कीजिए, जब भिन्न ज्ञात करने की बात किया है तो भिन्न ऑप्शन में दी गई है, हमें भिन्न ऑप्शन में दी गई तभी तो हम भिन्न को ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें फ्रैक्शन दिया गया है तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फ्रैक्शन हमें ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको फ्रैक्शन में, भिन्न हमें दिए गए। अब समझिएगा, कह रहा है एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, तो भिन्न होता क्या है, अंश बटे हर होता है। अब सुनिएगा, एक भिन्न का जो अंश है इसके हर से कितना कम होना चाहिए, 6 कम होना चाहिए। तो हम इसको एक बार फिर से लिखते भी आप, क्योंकि ये यहाँ से समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। आप सब लोग समझ चुके हो क्वेश्चन को, पहला ऑप्शन है 4/11, दूसरा ऑप्शन है 5/11, हमने चारों ऑप्शन को फिर से लिखा। एक भिन्न का जो अंश है वो इसके हर से कितना कम है, 6 कम है। अंश जो है हर से कितना कम है, 7, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 6, कितना कम होना चाहिए, 6 कम होना चाहिए। देखो 6 यहीं पे कम है, मींस आपका आंसर ये बनेगा, ये आंसर आपका कोई काट ही नहीं सकता। कितना समय लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगा, हमने पहली लाइन पढ़ी और आंसर दे दिया। आपको पेपर में यही करना है, बस ऑप्शन का प्रयोग करना है, आपको एक्स वाई वाई के पास नहीं जाना है। आप समझना, देखो आगे वो जो भी कहा होगा वो ये वाला भिन्न जो हमारा है ये 5/11 वाला, वो सारे रूल फॉलो कर रहा होगा। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 4/16 आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसके हर में 5 जोड़ा जाए, यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है, हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5/11। भैया ऐसे प्रश्नों को पेपर में लगाने की गलती मत करना, अगर आपने लगाने का प्रयास करा तो आप अपने लाइफ में अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप उस पेपर को धोखा दे रहे हो जिसको आप देने गए हो। आप CGL CHSL का पेपर दे रहे हो, CPO का पेपर दे रहे हो, GD का पेपर दे रहे हो, कोई चपरासी का पेपर नहीं दे रहे हो। कि आप प्रश्न लगाओ, प्रश्न लगाना नहीं है, प्रश्न को समझना है और प्रश्न को ऑप्शन से करना है। देखिए कितना समय लगे, जैसा वो बोला, जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा हमने किया। अगर दोनों, जो दोनों बात है, यहाँ पे दो सिचुएशन है आपके पास,
आप कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से छः कम है, ये दो ऑप्शन में हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उसने दो ऑप्शन में नहीं किया, यहाँ पे तो उसने एक ही ऑप्शन में किया। लेकिन हमने कह दिया कि अगर वो दो ऑप्शन में ये सिचुएशन फॉलो कराता तो हमारा आंसर फंसता। तो उसके आगे हम दूसरी सिचुएशन पर जाते, यदि इसके हर में एक घटाया जाए तो इसके हर में हम एक घटा के देख लेते, और इसके अंश हर में पांच जोड़ा जाए और इसके हर में पांच जोड़ लेते और अंश में एक घटा लेते, देखते वो चार गुना कौन से ऑप्शन में हो रहा है। जिस ऑप्शन में चार गुना होता वही ऑप्शन हमारा बनता। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे उसी आंसर पर टिक लगाना था और आंसर देना था। बताओ कोई डाउट है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को आप लगाना, इस प्रश्न से हम कल शुरुआत करेंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे कमेंट में तो हम कल इसको जरूर सॉल्व करके कल की क्लास में बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको लगाना है। अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हो तो हम कल की क्लास में इस प्रश्न को जरूर बताएंगे। हमारी कल की क्लास की शुरुआत यहीं से होगी। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत के साथ पढ़ते रहो, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहो। आप जोड़ते नहीं हो तो हम मोटिवेट नहीं होते और हम पढ़ाना कम कर देते हैं, हम क्लासेस कम दे पाते हैं। जिस दिन से आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दोगे उस दिन सबसे ज़्यादा फ्री में पढ़ाने वाला यूट्यूब का सिर्फ एक चैनल होगा, वो होगा ब्रिलियंट एकेडमी। बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट मटेरियल के साथ, बेस्ट टीचर के साथ अगर कोई चैनल चलेगा तो वो चलेगा ब्रिलियंट एकेडमी। लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ोगे तभी मैं फ्री में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँगा और तभी रेगुलर क्लासेस दे पाऊँगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ पढ़ने वाले लोग होंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आप अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी निभाइए और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो कल क्लास की शुरुआत इसी प्रश्न से होगी, सभी लोग इसको लगाएंगे और कल अपना आंसर मैच कराएंगे और बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।